और चलिए राजधानी देहरादून की बात करेंगे, जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण किया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी कांग्रेसियों को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए गौरव का दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये भारत के इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे महानतम दिन है और इस दिन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा तिरंगा जो इसका प्रतीक है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और पूरी कांग्रेस और हम सब कांग्रेस जन अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं।